फलों के राजा आम से तीन बढ़िया बढ़िया से डिजर्ट बनाना सिखाने के लिए आज हमारे साथ है होटल वसंत कॉन्टिनेंटल के पेस्ट्री शेफ जमील अहमद। हेलो शेफ, कैसे हैं? शेफ, आम से क्या क्या बनाना सिखा रहे हैं? हम शो कुछ डिफरेंट, कुछ नया, कुछ हटके है, बट क्या क्या चीजें हैं? वैसे तो आम के कई आइटम हैं हमारे पास, हमारे फेस्टिवलों में हमारे होटल के अंदर चलते हैं जी। मगर अभी अभी आपके सामने हम दो तीन रेसिपी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो हम रेसिपी फॉलो करेंगे वो है मैंगो माउंट एवरेस्ट। मैंगो माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद? उसके बाद आएगा मैंगो चीज केक। लास्ट में हमें तुम्हें एक मैंगो की मिठास देगा चॉकलेट टाइम की, तो लास्ट उसके अंदर बनेगी, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट होगा, डिफरेंट आपको मिलेगा इस टेस्ट के अंदर सारा। चलिए, तो तीन अलग अलग के डिजर्ट वो भी आम के बनाना सिखा रहे हैं शेफ। तो शुरुआत करेंगे हम मैंगो माउंट एवरेस्ट से। तो मैंगो माउंट एवरेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, चलिए नोट कर दें। मैंगो माउंट एवरेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 200 मिलीलीटर दूध, 60 ग्राम चीनी, 200 ग्राम आम प्यूरी, एक अंडे की जर्दी, 3 अंडे, 30 ग्राम नारियल की छाल, 100 ग्राम सफेद चॉकलेट। चलिए शेफ, बनाना शुरू करें ये माउंट एवरेस्ट, वो भी आम का। आम। ये सिर्फ शुगर, क्या आप कैरमलाइज कर रहे हैं? कैरमलाइज कर रहे हैं। अच्छा, और ये कैरमलाइज किस लिए करी जा रही है? ये मोल्ड के अंदर जो हम इसे मिक्सचर को डालेंगे, पकाएंगे, ये निकलने आओगे इससे, और ये थोड़ा सा फ्लेवर चेंज कर देगा, कैरमलाइज प्रोग्रेस चेंज कर देगा। नीचे जो है वो कैरमलाइज फ्लेवर आ जाएगा और क्रिस्पीनेस भी आ जाएगी। तो चीनी बहुत हद तक कैरमलाइज हो गई, इट्स लुकिंग लाइक हनी, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी भी हो गई है जी। तो इसे ज्यादा नहीं पकाना है वरना एकदम कड़ी हो जाएगी। तो इसको इसी कंसिस्टेंसी में पकाना है, और इसे मोल्ड में डाल रहे हैं नीचे। मोल्ड में, जिस मोल्ड में हम पकाएंगे मिक्सचर को डालेंगे। अच्छा, तो इससे इससे बेस बनाया जाएगा। इसके बाद हम मिक्सचर बनाएंगे जी। पहले हम ये लेंगे बॉयल दूध। दूध, अच्छा, उबला हुआ दूध लिया जा रहा है, और इसमें इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे जी। फिर 1 एग योक, ठीक है, एक अंडे की जर्दी इसमें डाली जा रही है। इसके बाद अच्छा, तीन पूरे अंडे भी हैं और एग योक। तो ये ठंडे दूध में चीनी और अंडों को ऐसे फेंटा जा रहा है। इसके बाद हम मैंगो प्यूरे मिला रहे हैं इसमें। ओके, देयर गोज इन द मैंगो प्यूरे। और मैंगो की डिशेस की बात हो रही है, वैसे मैंगो तो इसमें आएगा ही, एंड लुक एट द कलर, इट्स सो नाइस। जैसे ही मैंगो इसमें गया, द कलर कम्स आउट टू बी रियली रियली गुड। और ये क्या डल रहा है शेफ? ये व्हाइट चॉकलेट है। ओके, मेली हुई व्हाइट चॉकलेट इसमें मिलाई जा रही है। ये हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया जी। अब इसके बाद हम इसको मोल्ड में भरेंगे। ओके, तो ये शेफ तैयार है अभी, इसमें थोड़ा बहुत और आपको चीजें डालनी है कुछ। देखते हैं शेफ क्या क्या और इसमें डाल रहे हैं। अभी हम जैसे इसके अंदर एक कोकोनट जस्ट है जी, इसको हम इसे डाल देंगे जी। और ये भी मैंगो पीसेस करके अब इसको डाल देंगे, और हम इसको थोड़ा इसे पानी डालेंगे जी। अब हम इसको ओवन में पकाएंगे 180 डिग्री में जी। कितनी देर तक पकाया जाएगा इसको? ये कम से कम 25-30 मिनट तक। ओके, तो आपके पास पका हुआ पड़ा है? मेरे पास तैयार पड़ा हुआ। चलिए उसे देखते हैं कि उसको सर्व कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। अभी मेरे पास ये तैयार पड़ा हुआ जी। ओके, जस्ट लुक एट इट, जो कैरमल है उसकी लेयर भी यहाँ पे बन गई है, एंड यू हैव दिस सॉस व्हिच इज बिकॉज ऑफ द कैरमल and a little bit of all this around, or जैसे गार्निश करेंगे जी। ये भी कैरमलाइज शुगर है, ये कैरमलाइज शुगर है। और जैसे मैंगो, तो कैरमल कस्टर्ड की तरह का कुछ है विद मैंगो फ्लेवर इन इट, एंड इट लुक्स रियली यमी एंड नाइस। मैं ट्राई कर सकती हूँ शेफ? ओके, वेरी नाइस, वेरी यमी। आप भी इसे ट्राई कीजिए, स्पेशली अगर आपका भी स्वीट है मेरी तरह।
और इसके अलावा देख लीजिए कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं। साथ ही अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया तो नोट कीजिए इसका चटपट सारी क्या। मैंगो माउंट एवरेस्ट बनाने के लिए एक पैन में चीनी को पिघला लें और एक स्ट्रे में डालें। दूध में चीनी मिलाएं, इसमें आम का प्यूरे, अंडे और सफेद चॉकलेट मिलाएं। इसे सांचे में डालकर 180 डिग्री पर 15 मिनट ओवन में पकाएं। पकने पर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। सांचे से निकालकर ठंडा ठंडा सर्व करें।